मनोज के माँ बाप की तबीयत बहुत खराब थी। पिछले एक महीने से दोनों बिस्तर से उठ तक नहीं पा रहे थे। चार पांच अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाया, पर किसी को बीमारी समझ में नहीं आ रही थी। मनोज बहुत दुखी था। एक दिन अचानक उसके पिता का देहांत हो गया। बूढ़ा जिस्म भला कब तक टिकता? अब सिर्फ उसकी मां बची थी, पर उनकी हालत में कोई सुधार न था, बल्कि पति की मौत ने उन्हें तोड़ सा दिया था। बेटा, अब मुझे लगता है मेरा समय भी आ गया है। तुम मेरी चिंता मत कर, मैंने अच्छी जिंदगी जी है, अब मुझे विदा कर। नहीं माँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी मनोज का दोस्त शाम वहां आ पहुंचा। मनोज मेरे दोस्त, अब कैसी तबीयत है चाची की? कुछ आराम नहीं लग पा रहा। शहर से चार डॉक्टर्स को बुला चुका हूँ, पर कुछ समझ नहीं आ रहा। चाची का शरीर पीला पड़ चुका है, आंखें एकदम लाल हैं। 2 साल पहले मेरी माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ था। फिर वो कैसे ठीक हुई? एक ही उपाय है, पहाड़ी पर पीले रंग का फूल उगता है, उसका रस अगर 3 दिन इन्हें पिलाया जाए तो ये एकदम ठीक हो जाएंगी। मगर मगर क्या? मगर रास्ता बेहद खतरनाक है, 3 दिन की चढ़ाई है। मैं जरूर जाऊंगा, मैं अपनी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। मनोज उसी रात पहाड़ी के लिए निकल गया। रास्ता बड़ा जटिल और डरावना था, चढ़ाई भी ऊबड़ खाबड़। उसे चलते चलते 2 दिन हो गए थे। जो खाना वो घर से लेकर चला था वो खत्म हो चुका था। भूख प्यास के मारे उसका बुरा हाल था। उसने अपने आसपास देखा, उसे अंगूर का एक पेड़ नजर आया। अरे वाह, अंगूर! पहले थोड़ा खा लेता हूं, वरना मैं पहाड़ी के ऊपर नहीं पहुंच पाऊंगा। उसने अंगूर तोड़कर खाने शुरू कर दिए। बहुत सारे अंगूर खाने के बाद आराम करने के लिए वो एक पेड़ के नीचे लेट गया और उसकी आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आसपास 2 चुड़ैलों को खड़े देखा। वो बेहद डर गया। दोनों चुड़ैलें आपस में लड़ रही थी। ये मेरा शिकार है, पहले मैंने देखा था इसको तो ये मेरा शिकार हुआ, पर पहले खाऊंगी तो मैं ही इसे। देखते हैं कौन खाता है इसको। इतना कहकर पहली चुड़ैल ने दूसरी चुड़ैल पर शक्ति छोड़ना शुरू किया। दूसरी चुड़ैल ने भी अपने हाथों से शक्ति निकाली। ये ले, आखिर तुझे मार कर तुम दोनों को ही खाऊंगी अब मैं। कोशिश करके देख ले, तू भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इस पहाड़ी के सबसे शक्तिशाली चुड़ैल मैं हूँ। तू अब बूढ़ी हो गई है पर। दोनों में काफी देर लड़ाई होती रही। दोनों एक से बढ़कर एक शक्ति छोड़ती रही और बचती रही। मनोज ये सब वहीं खड़ा होकर देख रहा था। उसकी वहां से भागने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी, वो थर थर कांप रहा था। तभी दूसरी चुड़ैल ने ऐसी शक्ति छोड़ी कि पहली चुड़ैल उसे रोक नहीं पाई। जैसे ही वो शक्ति उसको लगी, वो राख में बदल गई। मैंने कहा था ना कि ये मेरा शिकार है, और तूने टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। मुझे मत खाओ, मुझे पहाड़ी पे ऊपर जाना है, मेरी माँ की तबीयत खराब है। खाऊंगी तो मैं तुझे जरूर, 1 महीने से भूखी हूँ मैं, कोई नहीं आता जाता यहाँ। चुड़ैल मनोज की तरफ बढ़ी और उसको सूंघ के बोली, वाह,
अच्छी खुशबू है, ताजा मांस, मजा आ जाएगा। उसने अपने नाखून से उसके गाल को छुआ और जैसे ही उसने अपने नाखून अंदर घुसाने की कोशिश की, अचानक उसे किसी ने पीछे से बहुत जोर से पकड़कर खींचा। वो बहुत दूर जा गिरी। मनोज ने तो लगभग मान ही लिया था कि अब वो नहीं बचेगा। उसने आसपास देखा तो कोई नहीं था। चुड़ैल को भी समझ नहीं आया कि आखिर किसने उसे खींचा। तभी अचानक एक डरावना भूत सामने आ गया। मनोज उसको देखकर चौंक गया। पिताजी आप? हाँ बेटा, मैं हूँ तेरा पिताजी। मगर आप तो? हाँ बेटा, मैं मर चुका हूँ, ये मेरी आत्मा है। मगर आप यहाँ कैसे? जब मेरे प्राण निकले तो तेरे माँ की यह हालत देखकर मेरी आत्मा वहां से जा नहीं पाई। फिर मैंने सुना कि तू पहाड़ी से फूल लेने जा रहा है। मुझे पता था कि यह रास्ता कितना खतरनाक है, तो मैं तेरे पीछे पीछे ही चल रहा था। चुड़ैल वापस वहां आ पहुंची। अच्छा, तो लगता है आज दोनों पाप बेटे को मैं ही खाऊंगी। वो मनोज के पिताजी पर टूट पड़ी और अपने नाखून उनकी गर्दन में घुसाने लगी। पिताजी ने एक जोर का मुक्का चुड़ैल के मुंह पर दे मारा। वो दूर जा गिरी। फिर चुड़ैल ने उन पर शक्तियां छोड़ना शुरू किया और पिताजी ने भी खतरनाक शक्तियां छोड़नी शुरू की। दोनों में भयंकर लड़ाई होने लगी। 2 घंटे तक दोनों एक दूसरे की तरफ शक्तियां छोड़ते रहे और लड़ते रहे। आखिरकार पिताजी ने ऐसी शक्ति छोड़ी जिसका जवाब चुड़ैल के पास नहीं था। वो वहीं भस्म हो गई और मनोज ने राहत की सांस ली। आपने मेरी जान बचा ली पिताजी। अब तुम्हें वापस घर जाने तक कोई तंग नहीं करेगा। जल्दी से ऊपर जाओ और फूल लेकर अपनी माँ की जान बचाओ। जी पिताजी, पर आप? अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम अपनी माँ को ठीक कर दोगे। अब मुझे जाना होगा। ये बोलकर पिताजी वहां से गायब हो गए। मनोज चढ़ाई पूरी करके पहाड़ी पर पहुंच गया और पीले फूल इकट्ठे करके वापस घर जा पहुंचा। बेटा, तुम कहां चले गए थे? मुझे लगता है आज मेरी जान चली जाएगी। नहीं माँ, मैं आ गया हूँ और तुम्हारी दवाई भी ले आया हूँ। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ। मनोज ने पीले फूलों का रस 3 दिन तक माँ को पिलाया और 3रे दिन उसकी माँ एकदम ठीक हो गई। मनोज ने उनको गले से लगा लिया और दोनों माँ बेटा खुशी खुशी रहने लगे। शाम के बताए इस उपाय को मनोज जिंदगी भर नहीं भूला और दोनों दोस्त हमेशा एक दूसरे के काम आते रहे। गांव में एक आलीशान मकान था जो कई सालों से खाली था। रामदीन उसका केयरटेकर था। महीप को कहीं से रामदीन के बारे में पता चला, वो उससे मिलने गया। मुझे किराए का एक मकान लेना था। देख लीजिए, मकान आलीशान है, मेंटेन है, मकान मालिक सार में रहते हैं। ठीक है, आप हमें घर दिखा दीजिए। मकान पसंद आया, हम जल्दी शिफ्ट करना चाहते हैं। हम लोग कल सामान लेकर आते हैं, यहाँ मुझे हफ्ते भर में ज्वाइन करना है। महीप की जॉब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थी। ज्यादातर उसे जंगल में बने गेस्ट हाउस में ही रहना पड़ता था। वे लोग सामान के साथ मकान में आ गए। कहाँ से शुरू करूँ? सामान रखवाकर महीप चला गया, मैं अकेली कैसे करूंगी सब? रश्मि परेशान होते हुए बड़बड़ा रही थी, तभी दरवाजे पर एक लड़का आया। मैडम, आपके पास कोई काम है क्या? रश्मि को लगा जैसे भगवान खुद आ गए उसकी मदद के लिए। हाँ है ना, घर जमाना है, जमा दोगे? दीदी बताओ कौन सा सामान कहाँ रखना है। तुम कौन हो, कहाँ रहते हो? मेरा नाम रवि है, मैं आसपास में सफाई का काम करता हूँ।
कहीं भी रह लेता हूँ, कहीं भी खा लेता हूँ, काम बता दीजिए, मैं आपका घर सजा दूंगा। उस बॉक्स को खोलो। रवि कार्टून खोल रहा था, तभी उसे पीछे से किसी ने मारा। वो लगभग चिल्लाते हुए, दीदी मुझे क्यों मारा? मैं तुम्हें क्यों मारूंगी, और यहाँ पर कोई और है भी नहीं। तभी फिर से उसे कोई थप्पड़ मारता है और उसके चारों तरफ हवा की तरह कुछ घूमने लगता है। फिर से किसी ने मुझे मारा, दीदी मुझे बचाओ, ये क्या है? और वो डर कर वहां से भाग गया। अब मैं क्या करूं? रात में दोनों माँ और बेटे सो जाते हैं। रात में अंश को प्यास लगती है, वो उठकर किचन में जाता है और पानी के लिए गिलास उठाने लगता है। तभी कोई उसे पानी से भरा गिलास देता है, उड़ जाता है लेकिन पानी पी लेता है और वापस आकर सो जाता है। अगले दिन जब रश्मि जगी तो अंश ने रात की पूरी बात बताई। वो उसे अंश का वहम समझती है। नाश्ता पानी होने के बाद वो सामान जमाना शुरू करती है। जैसे ही उसने झाड़ू उठाई, वैसे ही तेज हवा के साथ सूखे पत्तों से घर भर गया। पूरा घर और गंदा हो गया। ऐसा लग रहा था मानो घर के अंदर बार बार तूफान आ रहा हो। गमले और वास भी गिरकर टूट जाते हैं। बार बार ऐसा होने से रश्मि परेशान हो गई और सोचने लगी कि सच में इस घर में कोई है क्या। शाम को महीप जब घर आया तो, महीप यहाँ पर कुछ तो है, जब भी सामान खोलने जमाने की कोशिश करती हूँ तो कोई ना कोई बाधा आ जाती है। मुझे कल सुबह ड्यूटी के लिए निकलना है, ऐसी बातें मत करो। फिर रात में सभी सो जाते हैं। अंश रात में उठता है, पूरे घर में घूमता है और वो उस महिला को ढूंढता है। तभी अचानक उसके सामने एक बड़ी औरत आ जाती है। उसके नाखून बहुत बड़े होते हैं, वो एक डरावनी चुड़ैल होती है। अंश डरकर जोर से चिल्लाता है, फिर माँ पापा कहीं उठ ना जाए ये सोचकर चुप हो जाता है और हिम्मत करके पूछता है, आप कौन हैं और क्या आप हमारे घर में रहती हैं? ये घर मेरा है, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? डर क्यों, आप भी तो मेरी तरह ही है ना, बस आपने बहुत दिनों से नहाया नहीं है, नाखून नहीं काटे हैं, और थोड़ा सा मैनर सीखने की जरूरत है। तू मुझे मैनर सिखा देगा क्या? हाँ, पर मम्मी आपसे डर गई हैं। आप पापा छुट्टी लेकर दूसरा घर खोजेंगे। अब तुम कहीं नहीं जाओगे। अगर हम और आप दोनों मिलकर घर जमा दें तो शायद मम्मी जाने का इरादा बदल देगी, क्योंकि घर सेट करने के लेकर वो परेशान है। क्यों नहीं, ये तो चुटकी का काम है। पैक करने और खोलने सजाने में कितनी मेहनत और टाइम लग जाता है। महिला ने अपना हाथ घुमाया, पूरा घर सज गया। फर्नीचर, फोटो, शोपीस सब व्यवस्थित हो गए। आंटी आपने जादू सिखाया क्या, इतनी जल्दी आपने कैसे कर दिया? वाओ, बस कर दिया, अब अपनी मम्मी को यहाँ से मत जाने देना, तुम सब मेरे साथ यहीं रहो। अगले दिन रश्मि और महीप जागते हैं और सजा हुआ घर देखकर आश्चर्य से, ये सब किसने किया, ये चमत्कार कैसे हो गया? मम्मी मैंने जवा दिया, आप घर नहीं बदलेंगे, ये घर अच्छा है। चलो अच्छा है, जैसे भी हो, घर तो जम गया, टेंशन खत्म। अब अंश और वो भूतनी एक दूसरे से बातें करते और खेलते, दोनों एक दूसरे की जरूरतों को समझने लगे। अंश अपनी माँ से उस भूतनी के पसंद का खाना बनवाता और उसे अपने साथ बैठा कर खिलाता, उसके नाखून काटने, नहाने आदि के लिए कहता और वो भूतनी उसकी हर बात मानती थी। रश्मि को लगता कि अंश कैसे फरमाइशें करता है और अच्छे से खाता भी है, क्योंकि वो महिला किसी और को दिखाई नहीं देती है। अंश एक दिन बाहर साइकिल चला रहा था, उसका बैलेंस बिगड़ा और वो एक पत्थर पर गिर पड़ा। मम्मी! रश्मि बाहर दौड़ी, अंश साइकिल से गिरकर बेहोश हो गया। उसे अस्पताल ले गए। वहां के लोग कहने लगे,
भूत बंगला वाली ने मार दिया। वो महिला अंश के साथ वही थी और ऐसी बातों से बेचैन हो रही थी। जब डॉक्टर ने आकर बताया कि अब कोई खतरा नहीं, तब उस महिला को चैन मिला। महीप, हम ये घर छोड़ देंगे। अस्पताल में लोग इस घर को भूत बंगला कह रहे थे। मम्मी, मैं आंटी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आंटी बहुत अच्छी है। वो आंटी मेरे साथ थी। आंटी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। आंटी अब सबके सामने क्यों नहीं आती? आकर सबको बताओ ना कि अब भूत नहीं हो सकती। तब वो महिला सबको दिखाई दी। मैं भूत ही हूँ। सालों बीत गए, मेरे दोनों बेटे आपस में लड़कर घर से चले गए। अंश जैसा एक पोता भी था, वो सब मुझे छोड़कर चले गए। मैं इतने बड़े बंगले में अकेली थी। तड़प तड़प के मैं मर गई और आज तक मेरी आत्मा भटक रही है। आपका बेटा अंश मेरी परवाह करता है। इसने मुझे वो मान दिया जिसके लिए मैं तड़प रही थी। अब यह घर इसका है। आप लोग यही रहेंगे, मैं चली जाऊंगी। आप मुझे छोड़कर मत जाना, प्लीज। मुझे जाना ही होगा, तुम मेरी मुक्ति की वजह हो। ऐसा कहकर वो गायब हो जाती है। अंश रोता रहता है। रश्मि और महीप उसे संभालते हैं। दिवाली की धूम थी। सभी तरफ लोगों में उत्साह था। कैसे ये दिवाली मनानी है, किसे क्या मिठाइयां देनी है, किसे क्या क्या उपहार देने हैं, इस प्रकार सभी व्यस्त थे और अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। माँ, दिवाली में क्या करते हैं? किस भगवान की पूजा होती है और क्यों मनाते हैं? बेटा, दिवाली राम जी के 14 साल के वनवास से लौटने की खुशी में मनाया जाता है। दिया जलाकर घरों को सजाया जाता है। लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की जाती है। सुख समृद्धि की कामना की जाती है। लोग मिठाइयां बांटकर उपहार देकर अपनेपन का इजहार करते हैं। माँ, इस बार मैं भी खूब मिठाइयां बांटूंगी और अपने दोस्तों के साथ दिवाली मनाऊंगी। हाँ बिल्कुल, तुम बच्चों से ही तो दिवाली की रौनक होती है। मिठाइयां, पटाखे, फुलझड़ी और खील बतासे सब ले आना। अपने दोस्तों को भी बुला लाना। माँ, घर की दिवाली कितनी अच्छी होती है ना? हाँ मेरी बच्ची, करियर के लिए तुम्हें इतनी दूर भेज दिया था कि तुम्हें लाने और पहुँचने में छुट्टियां ही खत्म हो जाती थी। खैर, अब तो सारी खुशियां तेरी मुट्ठी में है। तेरे बिना हमने भी कोई त्योहार अच्छे से नहीं मनाया, बस औपचारिकता ही पूरी करते थे। कोई बात नहीं माँ, अब मैं आ गई हूँ ना, अब हम अच्छे से दिवाली मनाएंगे। फिर सभी दिवाली की तैयारी में जुट गए। अनेक प्रकार की मिठाइयां, और पटाखे आ गए। रंगोली बनाई जा रही थी। तोरण से द्वार सजाए गए। रंग बिरंगी बल्ब की झालरें लगाई गई। सब जगह रोशनी की चकमक दिखलाई दे रही थी। लेकिन अचानक इतनी सावधानी से की गई सजावट में आग लग गई। सब धो धो कर जलने लगा। रमेश जी, उसने तो फिर से सब चौपट कर दिया। मोहिनी, चिंता ना करो, हम दोबारा ठीक करवा लेंगे। कहीं से शॉर्ट सर्किट हो गया होगा। कितनी बार शॉर्ट सर्किट ठीक करवाते रहेंगे? इतने दिनों बाद मेरी बच्ची दिवाली मनाने आई है। मेरे घर की खुशियों को तो किसी की नजर ही लग गई है। पता नहीं वो मुझसे क्या चाहते हैं। परेशान मत हो ना, सब अच्छा ही अच्छा होगा। तुम खामखा डर रही हो। अभी दोनों बात ही कर रहे थे कि अनिका और उसकी सहेली के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। दोनों डर से कांप रही थी। मोहिनी और रमेश जी दौड़कर बच्चों के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, तुम लोग क्यों चिल्लाए, क्या देख लिया? हम रंगोली बना रहे थे और एक काली परछाई ने हमारी पूरी रंगोली खराब कर दी। लेकिन तुम्हारी रंगोली तो बिल्कुल ठीक है। हाँ,
ये कैसे हो गया माँ? उसने हमारी रंगोली तो बिल्कुल बिगाड़ दी। मोहिनी खुद भी सहमी हुई थी, लेकिन बच्चों को आश्वस्त करते हुए कहती है, बेटा डरने की कोई बात नहीं है, हम साथ हैं ना, चलो दिवाली मनाते हैं। चलो चलो बेटा, पूजा की तैयारी करते हैं, इन सब बातों में टाइम बर्बाद मत करो। हाँ, अनिका और माही दोनों ही तैयार होकर आ जाती हैं। मैं कैसी लग रही हूँ माँ? और मैं कैसी लग रही हूँ आंटी? बहुत अच्छे बच्चों। कहते हुए अपनी आंखों से काजल लेकर लगाने लगती है, तभी दोनों लड़कियां अचानक हवा में उड़ने लगी और एक औरत की आवाज आई, काजल का टीका उन्हें मेरी नजर से नहीं बचा सकता। हवा में झूलती लड़कियां चिल्ला रही थी और मोहिनी डर कर रोने लगती है। इनसे क्या दुश्मनी है? इन बच्चियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें कोई और घर परिवार नहीं मिला जो हमारे पीछे पड़ गए? मेरी एक बच्ची को तो मार ही डाला, दूसरी बच्ची को तुम्हारे डर से इतना दूर रखा, तुम चली क्यों नहीं जाती? इन्हें भी पटक दो। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, किस बात का बदला ले रही हो तुम? तुम करो, मैं तो बस अपने काम से काम रखता हूँ, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं तुम्हारे सामने हाथ छोड़ता हूँ, मेरे बच्चे को छोड़ दो प्लीज। अचानक काला धुआं जैसे गोल गोल घूमती हुई एक आकृति जमीन पर आ जाती है और दोनों लड़कियों को धक्का देकर गिरा देती है। मोहिनी और रमेश दोनों बच्चियों को दौड़कर संभालते हैं। मुझे और मेरे परिवार को छोड़ दो, तुझे जो चाहिए वो ले जा, मेरे गहने कपड़े मिठाइयां जो कुछ भी। तुम सचमुच मुझे दोगी क्या? मांग कर तो देख, लेकिन मेरे घर और मेरे घर वालों का कोई नुकसान तू नहीं करेगी। भूतनी अचानक रोने लगती है और लोगों के सामने एक लड़की के रूप में प्रकट हो जाती है। मुझे भी नए कपड़े, पटाखे और ढेर सारी मिठाइयाँ चाहिए, तुम लोग दोगे क्या? रमेश सब कुछ उठाकर उस लड़की को दे देता है। वो पागल की तरह दोनों हाथों से मिठाइयाँ खाने लगती है और कपड़े भी पलक झपकते ही पहन लेती है और अपने कपड़ों को देख देख कर इतराने लगती है। अब तो तुम हम लोगों को परेशान नहीं करोगी ना? नहीं नहीं, अब मैं तुम्हें कोई दुख नहीं दूंगी। तुम आखिर ऐसा क्यों कर रही हो? तुम कौन हो? मैं रूबी हूँ। मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत तंग करती थी, वो अपने बच्चों को सब कुछ देती थी और मुझे हमेशा मार पीट कर हटा देती थी, मुझसे घर के काम करवाती थी, मुझे पढ़ने को भी नहीं देती थी। एक दिन मैं घर से इधर आ गई और अपने घर का रास्ता ही भूल गई। कई दिनों भूखी प्यासी रहने के बाद मैं मर गई। आप उस दिन अपनी बड़ी बेटी को मिठाइयां दिलवाकर उससे प्यार से बात करते हुए लौट रहे थे, तभी मैं आप लोगों के साथ आ गई। उससे सभी प्यार करते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता था, इसलिए मैंने उसे मार डाला। तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था, पर इसमें हमारा कोई दोष नहीं था, जो किया सो किया, अब हमें बख्श दो। तुम लोग मेरे लिए खाना और मिठाइयां और कपड़े हमेशा रख दोगे ना? हाँ, हाँ, हमेशा। ये सुनकर वो गोल गोल धुएं की शक्ल में वापस चली गई। हर सबने खूब दीपावली एंजॉय की।